Hi guys, welcome back to my channel. This is Vishaka. I hope you all are doing well. So, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ once again about an epilator. So, if you have seen my last epilator video, like it was a long back, like during the COVID times. So, I got an epilator during the COVID times because हम बाहर नहीं जा सकते थे and I needed something to remove my body hair. तो मेरे को पता लगा about epilator and मैंने उसको order किया था and also मैंने एक review video भी बना रखा है about that product. So, basically मैं इस Silk Apple 7 की बात कर रही हूँ. So, मैंने इसके बारे में एक proper review video बना रखा है because I really love this product and इसको use करने के बाद I have never gone back to salon for waxing or anything. Like sometimes I go once in a blue moon, like अगर dead skin remove करनी है, I feel like यार tanning हो गई है, dead skin आ रही है, तो once in a blue moon I definitely go and do the Rika waxing thing. But apart from that, ये एक बहुत ही amazing product है and अभी तक ये Apple 7 work कर रहा है. You can take a look. ये machine अभी भी चल रही है. The only problem which I faced is कि जो इसका epilator का head है, like this is the trimmer head I have used on the machine, इसका जो epilator का head है वो बंद हो गया है, like it is not working and वो आपको Amazon पे मिल जाएगा around 4000 का, so वो आप reuse, like you can rebuy it and use it on this machine. तो machine तो properly work कर रही है, but मैंने epilator head खरीदने की जगह I bought a new epilator and which was the upgraded version of this bronze silk. So मैंने order किया है bronze silk Apple 9. So आज मैं उसी की बात करने वाली हूँ and also I'm gonna cover all those queries, all those questions जो आपको उस टाइम पे थे जब मैंने इसका वीडियो बनाया था, तो वो चीज भी मैं इसमें कवर कर दूंगी. लाइक देयर वर मेनी क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में मैंने आंसर कर दिए थे, बट स्टिल यू गाइज माइट हैव डाउट, तो मैं इसमें कवर कर दूंगी. सो पूरा वीडियो देखिए सब कुछ जानने के लिए. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. जिस प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है. सो दिस इज द ब्रॉन्ज सिल्क एप्पल 9. दिस इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एप्पल 7. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो भी डिफरेंस है आई विल शेयर इट विथ यू गाइज. तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 5500-5600. लाइक इसकी जो प्राइस है इट इज 7525, बट मुझे ये ऑफर में मिल गया था अराउंड 5600 का. सो इट वॉज अ ग्रेट डील, दैट्स वाई आई थॉट कि यार एपिलेटर हेड की जगह लेट्स बाय अ न्यू एपिलेटर. सो दिस इज व्हाट आई गॉट. नाउ इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, लेट मी शो यू गाइज दैट. सो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया था. ये जो भी सामान है वो बॉक्स के अंदर नहीं है, आई हैव केप्ट इट इन दिस पाउच. ये पाउच भी आपको इस सेट में ही इंक्लूड होता है. सो लेट मी शो यू ओपन करके व्हाट ऑल थिंग्स इट हैज. द वेरी फर्स्ट थिंग इट इंक्लूड इज दिस डिवाइस एंड ये काफी स्लीक सी बॉडी है, काफी सुंदर सी है एंड इट इज रियली पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी. Take a look at the head here. This is the massager head जो कि same था Apple 7 में भी. The only difference which I noticed here is कि ये थोड़ा सा broad है, like it was Apple 7 में it was small, but this one here is broader. It has this massager cap which make your epilation process easier. ये जो massager head है ये ही सबसे ज्यादा मैं use में लेती हूँ because ये मुझे like it helps you epilate better. ये एकदम साथ साथ massage करता जाता है आपकी skin में, तो pain कम feel होता है. This is what it does. एंड अगर आप न्यू कमर हो फॉर एपिलेशन तो स्टार्टिंग में आपको दो चार बार पेन फील होगा बिकॉज यू आर न्यू, बट जैसे ही आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी यू विल स्टॉप फीलिंग एनी पेन. बहुत कम पेन होता है. लाइक देर आर पीपल हु कीप आस्किंग मी कि यार इसमें दर्द होता है क्या, तो जैसे वैक्सिंग में पेन होता है ना उससे तो मुझे थोड़ा कम ही फील होता है इसके अंदर. लाइक आई एम वेरी यूज टू यूजिंग दिस, सो आई फील लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पेन. वैक्सिंग में मुझे इससे ज्यादा दर्द फील होता है. सो या यू गाइज कैन रिलेट कि कैसा होता होगा. एंड दिस इज अ रिमूवेबल पार्ट, यू कैन रिमूव इट. इफ यू कैन सी इधर एरो बनी हुई है, सो वी कैन प्रेस दिस बटन एंड वी कैन जस्ट रिमूव दिस लाइक दिस एंड यूज अनादर हेड विच इज दिस शेवर हेड विद अ कोम्ब. सो ये कोम्ब एक ट्रिमर कोम आपको मिलेगा. लाइक इफ यू हैव लॉन्ग हेयर ग्रोथ तो यू कैन यूज दिस ट्रिमर फर्स्ट एंड उसके बाद यू कैन यूज योर
एपिलेटर है टू एपिलेट योर बॉडी, बिकॉज अगर आप बहुत लंबे बाल एपिलेट करना स्टार्ट करोगे इट विल बी रियली पेनफुल. तो आप हेयर लेंथ को कम कर सकते हो विद दिस ट्रिमर एंड देन यू कैन जस्ट फॉलो इट अप विद द एपिलेटर. एंड इसको अगर आपको रिमूव करना है डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो. दिस वर्क्स एज अ शेवर, ये एकदम छोटा छोटा आपके बाल को काट देगा. रिमूव करना तो आसान है ही, फिक्स करना भी इसको काफी आसान है. सो ये जो सेक्शन है ये इस सेक्शन में जाएगा, यू जस्ट हैव टू look at that and इसको apply करना है and press करना है and voila, this is done. So your trimmer is ready. And if you guys don't know what is the difference between epilator and trimmer head, तो इसमें सिर्फ इतना सा difference है कि जो epilator होता है वो roots से बालों को remove करता है, it plucks out all the hair from roots. But अगर हम trimmer की बात करते हैं which is like this, तो trimmer या जो shaver होता है वो आपके बालों को यहाँ से skin से remove करता है, roots से pluck out नहीं करता है. This is the difference between an epilator and a trimmer. So बहुत लोग confused हो जाते हैं. So this is what I wanted to clear. Now there were questions in my previous video कि हम जब epilate करते हैं तो बाल जो आते हैं वो जो regrowth होती है क्या वो thick होती है, हेयर्स जो होते हैं वो थिक आते हैं क्या. तो लेट मी शो यू गाइज, आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू कैन सी माई हेयर ग्रोथ. टेक अ लुक, दिस इज द आंसर. मेरे हेयर्स जैसे लाइक वॉट वॉज माई बेसिक टेक्स्चर ऑफ हेयर्स इट इज सेम, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है. एग्जैक्टली सेम रहता है, थिकनेस सेम रहती है. एंड देर आर क्वेश्चंस कि ग्रोथ जल्दी तो नहीं होती है, सो ग्रोथ का ड्यूरेशन भी सेम रहता है. जैसे आप वैक्सिंग कराते हो तो जैसा ड्यूरेशन रहता है रीग्रोथ का, सिमिलर रहता है एपिलेशन में भी ड्यूरेशन. आई वुड लाइक टू एड अ टिप हियर कि जब भी आप प्लान कर रहे हो एपिलेट करने का, सो उससे एक दिन पहले मेक श्योर टू एक्सफोलिएट योर बॉडी. एंड आप उसके लिए कोई एक्सफोलिएटर भी यूज कर सकते हो या फिर आप यूफा या शावर जेल भी यूज कर सकते हो. एंड द रीजन ऑफ डूइंग दिस इज कि जो भी इनग्रोन हेयर होती है, लाइक जो इनग्रोन हेयर्स आते हैं, इट विल प्रिवेंट दैट एंड वो कम होगा. देन इट ऑल्सो हैज अ चार्जर टू चार्ज द एपिलेटर एंड वन टाइम चार्ज करने के बाद आराम से ये 50-60 मिनट्स तक चल जाएगा एंड दैट टाइम इज इनफ फॉर बोथ द हैंड्स एंड लेग्स टू बी एपिलेटेड. सो आराम से हो जाता है, उसके बाद भी लाइक इसके अंदर बैटरी बच जाती है. इट ऑल्सो हैज अ स्किन कॉन्टैक्ट कैप. सो अगर आप चाहते हो कि ये जो मसाजर हेड है ये नहीं चाहिए आपको एंड इफ यू वॉन्ट अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हो. एंड द वे टू यूज इज कि सिमिलर है अगेन, यू कैन सी द एरोस. सो दिस इज अ डायरेक्शन, सो लाइक दिस यू कैन जस्ट रिमूव इट. And excuse me for the hairs, I have already used it, so that's why it is dirty. And इसको fix करना भी काफी easy है. पीछे एक arrow दे रखी है, you just follow the arrow thing. Arrow पे arrow आएगा and you just have to push it in and that's it you have to do. And it also has a cleaning brush which is a very essential thing and a very useful thing. जब भी आपको इसको clean करना है with the help of this brush, you can just क्लीन इट. सो इसको संभाल के रखना, इसको बिल्कुल भी मत घुमाना बिकॉज ये बहुत ही काम की चीज है. लास्ट थिंग विच आई रिसीव इज दिस पाउच, इसके अंदर मैं सारी चीजें डाल के रख देती हूँ. सो दिस बिकम्स वेरी हैंडी टू कैरी. आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इसके अंदर एक स्मार्ट लाइट भी है. जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, जैसे ही एपिलेटर चालू होगा वैसे ही लाइट ऑन हो जाएगी एंड इसकी हेल्प से यू कैन जस्ट हेल्प, लाइक इट हेल्प्स यू प्लक आउट द स्मॉलेस्ट हेयर ऑन योर स्किन. एंड इसके अंदर सेंसो स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी है. इसका क्या फायदा है कि वेन एवर यू आर यूजिंग दिस, और अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर डाल रहे हो अपनी स्किन पे, तो ये यहाँ पे रेड लाइट आ जाएगी. दैट मीन्स इट इज गिविंग यू लाइक अ वार्निंग दैट डू नॉट पुट दिस मच प्रेशर, आपकी स्किन लाइक टग और पुल हो सकती है. Now let me show you guys the demo here, so you can take a look. मेरे हाथों पे जो भी ग्रोथ है उसकी, and this is what we are going to remove with this epilator. So make sure ये opposite direction में हो आपके बालों के. आपको सिर्फ इसको अपने 90 degree angle में रख के इसको चलाना है, तो उससे क्या होगा, properly बाल epilate होंगे, properly hairs epilate होंगे. And you can clearly see how quickly it has removed my hairs and my skin feels soft and hair free. So yeah, this is that easy and quick. If you are a beginner for epilator, I wanted to share a few things, few tips with you guys. Make sure कि आपकी जो growth है वो बहुत छोटी हो. एकदम full grow करने के बाद अगर आप epilate करोगे और वो first या second time है, it is going to be painful. तो start करो, जब start करो तो छोटी सी growth से start करो. It will be easy for you. आपकी body को adapt करने में आसानी होगी.
एंड सेकेंड थिंग, आप इसको नाइट टाइम में करो कि अगर थोड़ी बहुत रेडनेस जो होती है, तो स्किन जो थोड़ी बहुत इरिटेट होती है जब हम एपिलेट करते हैं, तो वो चीज़ भी काम डाउन हो जाएगी ओवर नाइट. लाइक जैसे हम वैक्सिंग करते हैं, देर आर फ्यू पीपल जिनकी स्किन रेड हो जाती है, तो सेम वे से अगर आप एपिलेट कर रहे हो तो थोड़ी बहुत रेडनेस भी हो सकती है. सो उस केस में इफ़ यू आर यूजिंग इट एट नाइट, तो आपकी स्किन को काम डाउन होने का टाइम मिल जाएगा ओवर नाइट. एंड अगर रेडनेस होती है या नहीं भी होती है, तो आप एपिलेट करने के बाद जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल. इससे क्या होगा, स्किन एकदम अच्छे से काम डाउन हो जाएगी. ऑल्सो रिमेंबर टू एक्सफोलिएट योर बॉडी वन डे प्रायर ऑफ एक्सफोलिएशन, उससे भी पेन कम होगा. एंड ऑल्सो ये एक वाटर प्रूफ एपिलेटर है, तो आप इसको ल्यूकवॉर्म वाटर के अंदर भी यूज कर सकते हो. लाइक वाटर के अंदर यूज करोगे तो भी पेन कम होगा. सो इनिशियली यू कैन जस्ट यूज इट अंडर वाटर, या आप गर्म पानी से ल्यूकवॉर्म वाटर से अपने हैंड को वॉश कर लो, एंड उसके बाद आप एपिलेटर यूज कर सकते हो. ऑल्सो यूज इट अंडर शावर, दिस विल अगेन रिड्यूस द पेन. सो या दीज आर द टिप्स एंड दिस इज वॉट आई हैव डन. नाउ आई हैव बीन यूज टू दिस, तो मैं कैसे भी यूज कर लेती हूँ कभी भी किसी भी टाइम पे. लाइक मेरे को इतना ज्यादा इसको यूज करने का आदत हो चुका है. सो या दिस वॉज इट. अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो, सो यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो, आई आंसर इट फॉर यू गाइज. दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, डू गिव अ थम्स अप. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आई शैल सी यू very soon. Until then, bye-bye.